आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी इसमें हम जानेंगे किस तरह से एक पर्टिकुलर कॉम्पाउंड एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कौन कौन सी स्टेजेस इसमें रहती हैं इसको ड्रग डिस्कवरी कहा जाता है इससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी है वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है बहुत सारी स्टेजेस इसमें होती हैं और आफ्टर दैट स्टेजेस आपको पर्टिकुलर ड्रग मिलती है सबसे पहले आपको टारगेट आइडेंटिफाई करना होता है उसके बाद आपको अप्रूवल लेना होता है रेगुलेटरी एजेंसी से और इन सारे प्रोसेस में सालों लग सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च हो सकते हैं तो ये जनरल आइडिया ड्रग डिस्कवरी के बारे में आपको समझना जरूरी है पहली स्टेज आती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टारगेट को आइडेंटिफाई करना है फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज यानी वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है प्रोटीन भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट आपको कॉम्पाउंड आइडेंटिफाई करना है उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर डिजीज़ का पाथवे स्टडी करना पड़ेगा उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ तो इसमें आपके पास जब आप रिसर्च करेंगे बेसिक रिसर्च करेंगे तो आपको की रोल आइडेंटिफाई होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट तो उसको आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशन कहना है वो पर्टिकुलर स्टेज नेक्स्ट इज टारगेट वैलिडेशन उसी तरह के सिमिलर कॉम्पाउंडस भी हो सकते हैं सिमिलर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं इसलिए आपको वैलिडेट करना होता है कि यही वो टारगेट है और इस तरह से अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे इसको एक्टिवेट या इनिबिट करेंगे तो इस डिजीज के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है तो इसमें आपको इनिविशन भी स्टडी करना पड़ सकता है एक्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट वो भी स्टडी करना पड़ सकता है आफ्टर दैट ही आप उस पर्टिकुलर कॉम्पाउंड को डिस्कवर कर सकते हैं नेक्स्ट इज हिट आइडेंटिफिकेशन अब आपके पास टारगेट वैलिडेट हो गया है तो आप स्क्रीन करेंगे बहुत सारे केमिकल कॉम्पाउंड को उस पर्टिकुलर टारगेट के अगेंस्ट वो आप इन विट्रो एसेस भी कर सकते हैं कॉम्पिटिशन मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आज की डेट में तो आपको पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनको आप कहेंगे हिट्स जो हिट्स हैं उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है ताकि आपको जो है फाइनल ड्रग मॉलिक्यूल मिल सके तो हिट को आप इन विट्रो ऐसे स्क्रीन कर सकते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं मॉलिकुलर डायनेमिक सिमुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको टॉप कंपाउंड्स दिला सकते हैं अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो कि है हिट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन इसमें जो मेडिसिनल केमिस्ट हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या करते हैं जो हिट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं उनके स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं मॉडिफाई करते हैं उनको ताकि वो ज़्यादा एक्टिव हो सकें उनकी प्रॉपर्टीज़ वो ज़्यादा बेटर हो सकें उनकी एफिकेसी इंक्रीज हो सके वो ज़्यादा सेफ़ हों और उनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेशली टू दैट पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल वो बेटर हो सकें ताकि वो क्लिनिकल कैंडिडेट्स बन सकें स्विटेबल टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिजीज और टू बी यूज इन ह्यूमन्स तो ये ये बात इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है नेक्स्ट स्टेज आती है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जिसमें इन विट्रो एसेज भी आ जाते हैं इन विवो एसेज भी आ जाते हैं बिफोर टेस्टिंग इन ह्यूमन्स इसको सेल लेवल पे टेस्ट करना होता है एनिमल लेवल पे टेस्ट करना होता है ताकि टॉक्सिसिटी का पता लग सके फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग सके से सेफ्टी के बारे में पता लग सके ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल्स तब बात आती है क्लिनिकल ट्रायल्स की इसमें सेफ्टी एफिकेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग ये जाननी बहुत जरूरी हो जाती है तो ये तीन फेजिस में होगा फेज़ वन में आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलेंटियर्स होंगे जिसमें आपको सेफ्टी देखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपको सेफ्टी देखनी है नेक्स्ट है फेज टू जिसमें इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएगा लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स इसमें होंगे और आपको अब आप एफिकेसी टेस्ट करनी है और सेफ्टी भी देखनी है साथ ही साथ फिर आता है फेज थ्री जिसमें लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं और आपको एफिकेसी एज वेल एज सेफ्टी उसको उस पर्टिकुलर कंपाउंड की चेक करनी है तो क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत टाइम इसमें कंज्यूम होता है ताकि एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकें नेक्स्ट है रेगुलेटरी अप्रूवल अब आपने क्लिनिकल ट्रायल कर दिया प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हो गई कैंडिडेट सक्सेसफुल हो चुका है आपके पास बहुत सारा डेटा आ चुका है अब उस डेटा को क्या करेंगे आप? आपके पास सेफ्टी का डेटा है आपके पास एफिकेसी का डेटा है वो डेटा आप सबमिट करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए तो जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो वहां पर एफडी है ड्रग मॉलिक्यूल भेजा जाएगा वो रिव्यू करेंगे उसको या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उसके बाद ही ये मार्केट में ड्रग आ सकती है अगर अप्रूव हो जाती है आफ्टर दैट पोस्ट मार्केट सर्विलेंस होगा ड्रग मॉलिक्यूल मार्केट में आ गई है लोगों ने उसको यूज करना भी शुरू कर दिया है लेकिन उसको पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी होगा बहुत ज़रूरी है ये एस्पेक्ट ताकि उसकी सेफ्टी के बारे में पता लग सके एफिकसी के बारे में जानकारी लोगों को हो सके शायद ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हों जो उस वक्त क्लिनिकल ट्रायल में ना मिल पाए उनको उस वक्त आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसको पोस्ट मार्केट सर्विलेंस कहा जाता है ताकि ओवर द टाइम ड्रग सेफ रहे मेडिसिन सेफ रहे तो ये कुछ एक की स्टेजेस थी जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम होता है बहुत सारा पैसा इसमें लगता है तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये समझ में आया है तो हमने देखिए बहुत सारी स्टेजेस सारी ये स्टेजेस कवर की हैं छोटे से टाइम इंटरवल में उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई होते हैं किस तरह से उनकी वैलिडेशन होती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बने रहिए चैनल के साथ थैंक यू